मैं LR बुडानिया, 23 दिसंबर सुबह 10:30 बजे का टाइम है, चंडीगढ़ सेक्टर 35B में जो CA का जो भवन है, CA इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ ब्रांच, उसके जस्ट सामने ये एक रोड के ऊपर वाटर लीकेज है। और ये वाटर लीकेज कम से कम 3 महीने से है, जिसकी मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ। इस वाटर लीकेज से ताज़ा पानी है, आज भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है कि कल और परसों 2 दिन वाटर का लो प्रेशर आएगा, क्योंकि पानी पीछे से रिपेयर वर्क होगा। लेकिन सड़कों पे इस तरह हमारा बहुत ही अमूल्य धरोहर जो है प्रकृति का पानी, जिसको हम हमारी गलती से बर्बाद कर रहे हैं और लीकेज से सड़कों पे बहाते हैं, ये दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी के बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। सब दुनिया ये कह रही है जल है तो कल है, लेकिन जो भी जिम्मेदार अफसर है, मैं उससे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे दोस्तों, पानी बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसके ऊपर जिस तरह आग बुझाने के लिए तुरंत कार्रवाई होती है, इस तरह की कार्रवाई हो। और इससे ज़्यादा मुझे चिंता इस बात की है सिविल सोसाइटी से कि यहाँ CA बनते हैं, जो देश के सबसे बुद्धिमान स्टूडेंटों में, जैसे IIT IIM के और MBBS वाले नीट के बच्चे होते हैं, उस तरीके से CA के स्टूडेंट होते हैं, और उनके गेट के सामने ये है और 3-4 महीने से लीकेज है। यहाँ इनके पेरेंट्स भी इनको छोड़ने और लेने आते हैं, खुद बच्चे भी आते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल नहीं उठता, ये उससे ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। धन्यवाद दोस्तों।